फ्रेंड्स नाउ स्टार्ट चैप्टर 10 डेसिमल। चैप्टर 10 आपका डेसिमल है। तो व्हाट इज डेसिमल? द फ्रैक्शन इज इन विच द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर और 10, 100, 1000 एक्सेट्रा आर नोन एज द डेसिमल्स, नोन एज डेसिमल्स। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 39। एग्जाम्पल से बताते हैं 9/10, 4/100, 7/1000 एक्सेट्रा। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड। क्वेश्चन आपका है 16.23। ये आपका क्या है, इसको लिखना आपको वर्ड में लिखना है। किस में लिखना? वर्ड में लिखना है। पहले क्या लिखा है, ये डेसिमल, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड पहले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, बीच में क्या डेसिमल है। इधर आप क्या करते हैं, पहले ये किस प्लेस पे है, वन प्लेस पे है, ये आपका टेन प्लेस पे है, ठीक है। इधर की बात करते हैं डेसिमल के, आपका इस साइड की, ये आपका टेंथ है, ये आपका टेंथ है, ये आपका हंड्रेड है। प्रीवियस वीडियो में आपसे बात किए थे इसके बारे में। तो अब इसको लिख क्या लिखना है आपको, सिर्फ लिखना है आपको वर्ड में, तो लिखेंगे 16.23। इट्स ओके। नेक्स्ट आपको बताते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का, सेकंड बताते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट आपका है 0.871, यानी क्या है 0.871। जैसे आप बोलते हैं वैसे आप लिख भी सकते हैं 0.8, 0.871। इट्स ओके। आपको आंसर में ये भी दिया होगा और के 0.871। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम्स। यहाँ पॉइंट लगा था इसलिए पॉइंट के पहले आपका जीरो लगा था, जीरो लिख दिए थे। और आपको आंसर में अगर ये ना दिया हो तो आपका ये पॉइंट, ये भी आपका आंसर, दोनों सेम आंसर है। इट्स ओके। क्वेश्चन आपका सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है राइट द फॉलोइंग इन द न्यूमरल्स या डेसिमल्स। तो आपको फिगर में आपको लिखना है, फिगर आपका दिया रहेगा, आपका जो फिगर रहेगा उस फिगर से आप क्या करेंगे, इसको वर्ड में लिखेंगे, वर्ड फिगर रहेगा उसको न्यूमरल में लिख लेंगे। जैसे फल आपका फर्स्ट पार्ट है आपका 35.65, ये आपका फिगर है 35.65 हो गया। फिर पॉइंट बोला है पॉइंट 6 और 5, 6 एंड 5, ये हो गया 35.65। इट्स ओके। बी पार्ट आपको बताते हैं इसी का, तो बी में आपका 108.07 108 हो गया। अब क्या लिखा है, पॉइंट लिखा है, पॉइंट लगा देंगे, फिर 07, 0 एंड 7। इट्स ओके। क्वेश्चन से क्या निशान करते हैं, क्वेश्चन
सेकेंड के बाद थर्ड आपका है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्लेस वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। टू हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट फोर वन, नेक्स्ट आपको बताते हैं एट पॉइंट टू जीरो फोर। देखिए 200.41 है तो क्या करते हैं, पहले इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू आपको चार्ट बता देते हैं, आपका प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट आपका है वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड। ठीक है, आपका डेसिमल के लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आता है टेंथ, फिर टेंथ को लिखते हैं वन अपॉन टेन, फिर आता है आपका हंड्रेड, हंड्रेड वन अपॉन हंड्रेड, फिर आपका आता है थाउजेंड, थाउजेंड मीन वन अपॉन थाउजेंड। इट्स ओके, वन टेन हंड्रेड वन थाउजेंड और ये आपका होता है टेन थाउजेंड। इट्स ओके, देखिए अब आपको यहाँ पे वैल्यू में रखना है, आपको सेवन है पहला, सेवन कहाँ पे वन में है, तो वन पे आपका यहाँ आप सेवन रख देंगे, फिर थ्री है, थ्री टेंस पे है तो यहाँ थ्री रख देंगे, फिर टू है आपका हंड्रेड पे, यहाँ टू रख देते हैं, फोर आपका टेंथ पे है, फोर लिख दिए, वन आपका हंड्रेड पे है, हंड्रेड पे तो वहाँ पे आप वन लिख दिए। इट्स ओके, अच्छा अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी टू हंड्रेड, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ टू इक्वल टू टू हंड्रेड, प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री थर्टी, प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन सेवन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं फोर और वन है, तो आपका फोर और वन यहाँ ऊपर लिख देते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ फोर, फोर किस पे था आपका, टेंथ पे था, तो हो जाएगा फोर अपॉन टेंथ। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ वन, इसका क्या हो जाएगा आपका, हंड्रेड पे है तो वन अपॉन हंड्रेड था, तो यह आप लिख लेंगे वन अपॉन हंड्रेड। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस बी आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड आपको बताते हैं, तो सेकंड के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड के बारे में आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 8.204 है, 8 पॉइंट मतलब 8 वन प्लेस पे है, तो वन आपका वन प्लेस पे 8 आप लिख देते हैं, फिर इसके बाद 2 पे 2 आपका टेंथ पे है, 2 यहाँ लिख देते हैं, 100 पे आपका 0 है 0 लिख देते हैं, 4 आपका 1000 पे 1000 पे लिख देते हैं 4। मीन्स आपको अब लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 आप इस तरह से बना के छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा, लिख लेंगे तो भी आपका ठीक है, तो आप दोनों भी कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 8 हो गया, प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू 2 आपका 2 अपॉन टेंथ, 2 अपॉन
tenth place value of 4, 4 आपका 100 पे है, 1000 पे है, 4/1000, इट्स ओके। क्वेश्चन आप बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ आपका है, राइट डाउन द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन फोर्थ आपका है एक्सपेंडेड फॉर्म, कौन सा फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब होता है विस्तार रूप, विस्तार का मतलब होता है पूरा आपको पूरी तरह से उसे सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपको दिया है क्वेश्चन 19.35, अच्छा 19.35 जो आपको दिया, पहले आपको वन है, ये आपका टेन है, ये आपका टेंथ है और ये आपका हंड्रेड है। ये इसके बारे में तो आपको जिक्र किया ही है, बता दिए हैं आपको। पहला वन किस पे है टेन पे है तो टेन लिख लेते हैं, नाइन वन पे है तो नाइन लिख लेते हैं, प्लस ये टेंथ पे है ना तो 3/10 लिख लेते हैं, प्लस ये हंड्रेड पे है तो 5/100 लिखते हैं। ये इसका क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है। बी आपको बताते हैं इसी का क्वेश्चन, बी आपका है 29.04 के बारे में बात करते हैं। तो 29 में 2 आपका टेंथ पे है, 29 आपका वंस पे है, ये आपका 9 प्लस 0 आपका टेंथ पे था, 0 तो छोड़ देते हैं, 4 आपका 100 पे लिख लेते हैं, 4/100, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन 5 के बारे में कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स इन द शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन आपका 5 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। किस फॉर्म में बात कर रहा है? शॉर्ट फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया था उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंड जैसे आप एक्सपेंड किए थे उसको शॉर्ट, पहले तो आप एक्सपेंड फॉर्म करना था छोटे से बड़े में आप गए थे, अब यहाँ बड़े से छोटे में आपको लाना है। आपका क्वेश्चन है 20+7+3/10+6/100, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आप जैसे जैसे आपको नंबर बोला वैसे वैसे आप लिखेंगे, पहले 2 है फिर 7 है 3/10 है, मतलब आपको बताए थे कि पहले आपका टेंथ होता है, दूसरा आपका हंड्रेड होता है, तीसरा आपका 1000 होता है। तो आपका 3 है, डेसिमल लगा के 3 लिख लेते हैं, फिर ये 0 के बाद 10 के बाद 100 है, मीन्स आप एक नंबर बढ़ा लेंगे तो ये आपका डेसिमल बाद 2 प्लेस हो जाएगा, 100 पहुंच जाएगा, इट्स ओके। क्वेश्चन बी की बात करते हैं इसी के, क्वेश्चन बी इसका है 400+6+1/10+3/100+5/1000, इट्स ओके। देखिए यहाँ नंबर को आप कैरी करिए, पहले 3 है फिर 2 है फिर 1 है, मीन्स 436 हो गया, इट्स ओके। अब डेसिमल पहले 10 है फिर 100 है फिर 1000, मतलब मीन्स डेसिमल लगाएंगे 135 लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, इट्स ओके। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।